दोस्तों, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पर दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं, तो वहीं ईरान को सपोर्ट करने वाले पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिन्होंने ऑपरेशन प्रॉमिस कह करके ईरान के साथ ये साफ तौर पर कहा कि हम हर तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे, और अब अमेरिका द्वारा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कई बेसिस को निशाना बनाया गया है इराक के अंदर, जहां कई बड़े धमाके जो हैं अमेरिका द्वारा किए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कई ठिकानों पर अमेरिका द्वारा बड़ा हमला किया गया है। और ये ऐसे समय पर हमला हुआ है जब ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ईरान को सपोर्ट करने वाले पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को अमेरिका ने निशाना बना करके बता दिया कि वो पीछे बैकडोर से नहीं बल्कि फ्रंट पर आकर के हर चीज में जंग की आग को बढ़ाना चाहता है। किस तरीके से बुर्ज 22 बेस पर हमला हुआ, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आग की लपटें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, और सिर्फ बुर्ज 22 बेस को इराक के अंदर ही टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि बगदाद के पास कुलसू बेस को भी निशाना बनाया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से निशाना जो है कुलसू बेस को बनाया गया, तो वहीं एक और बेस को निशाना बनाया गया हसद अल शाबी को। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि एक के बाद एक तीन बेसिस को निशाना बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे इस जंग के दायरे को बढ़ाने की कोशिश लगातार अमेरिका कर रहा है, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि इराक के बगदाद में कार्यकर्ता के निदेशक ने ये साफ तौर पर पुष्टि की कि तीन हमलों के साथ राजधानी के दक्षिण में मुसीब में कलसू बेस को निशाना बनाकर किए गए हमले के परिणाम स्वरूप एक की मौत हो गई है और छह लोग इस हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आक्रमकता ने बेस के मुख्य प्रवेश द्वार और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स से संबंधित एक कार्यालय को निशाना बनाया है, और कहा कि ये ड्रोन के साथ किया गया बड़ा हमला था जो अमेरिका द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीर जिसका वीडियो आप लोगों ने खास तौर पर देखा। तो वहीं इस बीच इराकी हवाई क्षेत्र के सामान्य अमेरिकी हवाई यातायात से व्यस्त रहा, जैसा कि हमारे बगदाद कार्यालय के निदेशक ने पुष्टि की कि जिन्होंने इराकी हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले विमान की निगरानी की सूचना दी। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी जारी की गई कि आक्रमकता के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने एक अन्य विमान को बगदाद से लेबनान की राजधानी बेरूत की ओर जाते हुए देखा था। बदले में इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स कलसू सैन्य अड्डे पर उसके मुख्यालय में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई, जहां एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका द्वारा ये बड़ा हमला ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि मिडल ईस्ट में जंग की आग को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपने फायदे के लिए बढ़ाना चाह रहा है। वहीं इराकी सुरक्षा सूत्रों ने यह साफ तौर पर कहा है कि हवाई हमले में बगदाद के दक्षिण में स्थित कलसू सैन्य अड्डे, बुर्ज 22 बेस जो जॉर्डन के बॉर्डर के पास मौजूद है, वहीं ये भी साफ तौर पर कहा गया कि हसद शाबी जो बेस है उसे निशाना बनाया गया। बेस में सेना, संघीय पुलिस और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के बल शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि हमले में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के मुख्यालय, एक टैंक बेस और बेबीलोन
साइट्स कमांड के मुख्यालय के प्रवेश द्वार को निशाना बनाया गया है। इराक में सैयद अल शुहादा ब्रिगेड के महासचिव अबू अला वलई ने कहा कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बेस को, उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के पीछे जो भी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब आने वाले समय में साफ तौर पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि इराक सीरिया के अंदर हमले जो हैं वो अमेरिकी बेसिस के ऊपर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब अमेरिका थोड़ा शांत बैठा मिडल ईस्ट में तो पूरी की पूरी फोर्सेस जो हैं वो इज़राइल के ऊपर हमले करने लगी। और अमेरिका इस हरकत के बाद में जो है तमाम सवाल खड़े हो गए। और ये हमले के बाद में अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हमें पता लगा कि ऐसा हमला हुआ है और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं कि हमने ये हमला किया है, पर ये हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई हमला जो है वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर नहीं किया गया। मतलब ना इज़राइल ने हमला किया, ना अमेरिका ने हमला किया, ना किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी ली, ना किसी दूसरे देश ने कोई जिम्मेदारी ली। आग अपने आप लग गई, लोग अपने आप इस धमाके में मर गए, लोग अपने आप इस धमाके में घायल हो गए, जिसके बाद एक झूठ जो अमेरिका ने दुनिया के सामने रखा, तो वहीं इराक के जो एयर स्पेस है उसने साफ तौर पर एक चार्ट, एक ग्राफ जो है दुनिया के सामने रख दिया, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां ये बताया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि हमने हमला नहीं किया, तो वही इराक की तरफ से ये साफ तौर पर बोला गया कि देयर इज अ यूएस केसी 135 RT दैट डिड लॉप नॉट फार फ्रॉम द एरिया। आपका जो जहाज है यूके यूएस केसी 135 RT जिस जगह पर हमला हुआ उस जगह से उड़ान भर रहा था, और आप कहते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बेस किस जगह पर है और किस उतनी ऊपर से जो जहाज है वो उड़ करके गया है, जिसके बाद ये जंग के दायरे लगातार बढ़ेंगे। तो वहीं इराकी रेजिस्टेंस ने कल ही इसराइल के ऊपर बड़ा हमला किया गया था, जहां इसराइल के ओबदा एयरबेस को निशाना बनाया गया था। और क्या अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए इराकी रेजिस्टेंस पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ऊपर बड़ा हमला किया है? क्योंकि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि हम इस पूरी जंग में ईरान का पूरी तरीके से साथ देंगे, और जो गाजा में हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है हम पहले ही उनके समर्थन में ऑपरेशन प्रॉमिस इसराइल और अमेरिका के खिलाफ चला रहे हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।